मैनेजिंग ऑफ रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है, या नॉन एग्जॉस्टेबल ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दोनों का स्टॉक तो खत्म होगा ही, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका मैनेजिंग का, कैसे मैनेज करें जो यहाँ पर हम लोग सस्टेन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सस्टेन डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि हमारा नीड भी पूरा हो जाए और जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, स्टॉक ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज ये मेंटेन रहे, मेंटेन। क्योंकि देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, इसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है ना जी। तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है तो ये पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, लेकिन ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में इसको एक टाइम चाहिए, टाइम इंटरवल, इंटरवल विथ ए सर्टन या ए मिनिमम क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, टाइम इंटरवल चाहिए और एक मिनिमम क्वांटिटी में वो स्पेसिस होना चाहिए, वो जीव होना चाहिए, बस समझ आ रहा है। देखिए जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है तो साल में एक ही बार ना अंडा बच्चा करता है वो, अगर प्रोडक्शन होता है, अगर ह्यूमन का लीजिए लेके चलते हैं तो एक साल के बाद एक बच्चा होता है, तो अगर उसको एक साल का टाइम इंटरवल देवे नहीं कीजिएगा तो फिर आगे अगर एक है तो अगला साल दो होगा ना, ठीक है, तो अगर चार है, चार का दो दो बच्चा होगा तो कितना हो जाएगा, आठ, तो ये कब होगा, आफ्टर वन ईयर। लेकिन अगर उसके पहले आप मार दिए तीन को मार दिए तो एक बचेगा तो कभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, कहने का मतलब जब इसका एक मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए तभी वो अपना जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। और इसमें सबसे जो पॉपुलर मॉडल है वो फिशरी मॉडल है, फिशरी मॉडल। देखिए कोई भी जीव जो होता है ना उसका एक बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, नेचुरल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, है ना, इस तरह से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक मॉडल भी बोलते हैं और कर्व भी बोलते हैं। तो पूछता है कभी कभी लॉजिस्टिक कर्व जो है वो किस चीज में यूज होगा, डेमोग्राफी, ठीक है। देखिए ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर मिनिमम है ना, मिनिमम क्वांटिटी इतना है, ये बात कर रहा है कि अगर इससे कम अगर होगा स्पीसीज, ठीक है, तो ये बढ़ने के सिवा छोड़ के वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको रीजनरेट करने के लिए उसको मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए, अगर उतना पॉपुलेशन रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, है ना, अगर उससे कम होगा तो वो धीरे धीरे समय के साथ उसमें कहाँ भाग जाता है। जैसे देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कम से कम दो मछली तो होना जरूरी है ना, टू फिश, लेकिन दो फिश में क्या पता है वो अचानक मर जाए, अनसर्टेनिटी तो रहेगा ना, कम से कम पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए 10 फीस होना जरूरी है, बस समझ में आ रहा ना, कि अगर इससे कम हो जाएगा, अगर 9-8 अगर होता है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक एक मान के चलते हैं यहाँ पर बच्चा देता है तो दूसरा सब बड़ा वाला खा जाएगा सब, समझ रहे बात के लिए, तो धीरे धीरे अपना पॉपुलेशन कम कर देगा, खुद भी खा सकता है, तो बोलता है कि कम से कम मिनिमम 10 रहेगा, तो 10 में अगर मान के चलते हैं कि 15-15 बच्चा दिया उसमें दुदुइयों को बचेगा तो 20 को बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि इस मिनिमम से यहाँ 10 हो गया इतना रहेगा, अगर इससे कम हुआ तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगा, मतलब फीस खत्म हो जाएगा समय के साथ। अब यहाँ पर मिनिमम है, उसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ता है ना थोड़ा सा धीरे बढ़ता है, जैसे कि 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है।
अब यहां से क्या हो जाएगा, स्पीड पकड़ लेगा। 8 से फिर कितना हो जाएगा, 16, 16 से फिर कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ये 2 के पावर में बढ़ेगा, फ्यूजन नंबर बोलते हैं उसको, वो छोड़े हटेंगे, 3, 2 का पावर 4, लॉजिस्टिक है ना जी। तो पहले दो दो चार चार बढ़ेगा, 4 दुना 8 बढ़ेगा, है ना, 8 दुना 16 बढ़ेगा, फिर 16 दुना 32, 32 दुना 64, ऐसे बढ़ते जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बढ़ा कितना, 2, यहाँ कितना बढ़ा, 4, यहाँ पर कितना बढ़ा, 8, अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 16, फिर कितना बढ़ेगा, 32 दुना 64, 32। तो यहाँ से स्पीड बहुत तेजी से बढ़ता है पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन और पॉपुलेशन अगर बढ़ते जाता है तो धीरे धीरे फिर अपने आप पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होने लगता है। क्यों कंट्रोल होने लगता है, कि अगर मान के चलिए एक तालाब है ना, तो इसमें अगर ज्यादा मछली होने लगेगा तो यहाँ सबसे पहला बात कि इन लोगों को फूड नहीं मिलेगा, फूड स्कार्सिटी हो जाएगा। तो जब फूड स्कार्सिटी होगा तो इसका ग्रोथ कम हो जाएगा, और ग्रोथ कम हो जाएगा तो इसके साथ साथ जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खाने लगेगा। तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। इतना अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करे तो ये मैक्सिमम में आके यहाँ पर स्टैग हो जाता है, और ये अपना मैक्सिमम पूरा कभी टच नहीं करेगा। ये 1, ये 0 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, 1 मतलब फुल स्टॉप। अभी तक यहाँ पर नहीं है इंसान, अभी यहाँ एंट्री नहीं मारा है, अब एंट्री मारेगा, अब यहाँ से मछली निकाल निकाल के खाएगा ना वो। तो अगर मछली यहाँ तक निकाल के खा लिया तो ये पूरा जाति को खत्म कर देगा। फिर भी क्रिएटिव होने होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, नहीं बचेगा। देखिए इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर 2 वर्ड, खाली 2 वर्ड याद रखेगा बस, वही चीज। देखिए वहां मिनिमम था, इधर हो जाएगा आपका ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, और इधर हो जाएगा आपका यहाँ से, ये मिनिमम वाला हो जाएगा ना, एक्स मिनिमम जो वहां पर दिखा रहा था, ये आके वहां पर जहां पर ये कर्व ऐसे हो गया था ना, इस तरह से आ रहा था ना ऐसे करके, तो ये उस पोर्शन को बता रहा है। चलिए ये मिनिमम है, यहाँ से बढ़ना बढ़ना शुरू करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। मतलब कि ये जो हमारा क्या बता रहा है इधर, कि बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, और इस पॉइंट पे हमारा क्या बता रहा है कि डेथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट, और इधर क्या हो जाता है कि डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, ठीक है। तो देखिए जहां इसका डेथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या होता है, फुल स्टॉक ऑफ, फुल स्टॉक होता है विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। कि अगर ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान वहां पर इंटरफेरेंस नहीं करता है तो वो मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा, 1c के बराबर यहां तक। लेकिन अब यहां पर क्या करेगा कि इंसान अब आएगा तो यहां से मछली मारना शुरू करेगा। तो बोलते हैं कि भाई अगर इस तालाब का मछली को अगर सस्टेन रखना है तो कितना मछली मारा जाए जो इसका ग्रोथ जो है सस्टेन हो। तो बोलता है कि इतने यहां से आप यहां तक मार सकते हैं, है ना, कहां तक मार सकते हैं, जहां पर हाई बर्थ रेट इक्वल टू हाई डेथ रेट हो, बर्थ रेट, क्योंकि ऐसे भी मर जाएगा तो उससे अच्छा एक निकाल लीजिए हाई डेथ रेट। तो इससे क्या होगा कि अगर यहां तक मछली बनाए, ऐसे भी यहां पर डेथ रेट ज्यादा है, मतलब कि पॉपुलेशन बहुत धीमे गति से बढ़ रहा है, तो जैसे ही हम यहां से यहां पर मछली अगर निकाल लेते हैं इतना, वैसे यहाँ पर क्या है बर्थ रेट ज्यादा है, वो वापस फिर 1 साल के अंदर वहां पर उतना फुलफिल हो जाएगा, फिर दूसरा साल आप उतना निकाल लीजिए। तो इस तरह से बोलता है कि रिन्यूअल रिसोर्सेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल यील्ड क्या होता है कि वो जो मछली पकड़ने का रेट जो होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, उसके बर्थ रेट उसका ग्रोथ रेट के बराबर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ रेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसका पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो वो कांस्टेंट हो। अगर हम करते हैं ना तो ज्यादा कम हो जाएगा, कम होगा ना, तो यहाँ पर से फिर बढ़ने में बहुत लेट लगेगा, और अगर हम यहाँ तक खत्म कर देते हैं, है ना, इस जगह तक, तो फिर इसका खत्म हो जाएगा।
तो एक हमको ऑप्टिमल यूज करना होगा ताकि हमारा रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए और वो स्टॉक जो है वो हमेशा बना रहे, ठीक है। यहाँ एक्सी, यहाँ पर एक्सी क्या है जी, एक्सी जो है यही है आपका कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, कब, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट है। तो इसी को हम लोग लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं या एस कर्व भी बोलते हैं ना। दूसरा है मैनेजिंग ऑफ, देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पर जो भी फिशरी होता है वो कॉमन प्रॉपर्टी होता है ना, कॉमन गुड्स होता है, कोई भी जाके मार सकता है, तो इसको आपको यहाँ पर रूल बनाना होगा, मैनेजिंग ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। देखिए अब इसका तो कोई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है नहीं, तो लॉजिस्टिक मॉडल में यहाँ पर फिट होगा नहीं, लॉजिस्टिक मॉडल किसमें होगा, जिसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, कौन सा मॉडल लगता है, इंटर टेम्पोरल चॉइस, या फिर दूसरा बोलते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज भी बोल सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट। इस रूल को इतना सब नाम से जानते हैं ना? नहीं अभी बता रहे हैं क्या। देखिए इंटरटेम्पोरल चॉइस क्या होता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का बात करता है, इधर प्रेजेंट है तो आदमी फ्यूचर, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच क्या होते हैं हम लोग, इनडिफरेंस होते हैं, है ना। कि अगर हम मान के चलते हैं कि ये कब लागू होगा, जब इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट होगा, अगर ये कॉमन प्रॉपर्टी राइट रहेगा तो कोई भी जितना जल्दी हो खत्म कर देगा, है ना। लेकिन अगर यही प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हम कर देते हैं, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी में खत्म हो जाएगा, तो हम क्या देखते हैं कि अगर इसका यूज करना है तो हमको वर्तमान में भी यूज करना है और फ्यूचर में भी यूज करना है। तो हम लोग अगर पूरा पूरी प्रेजेंट में ही यूज कर देंगे तो फ्यूचर में हम अर्निंग जो होगा, फ्यूचर अर्निंग ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम फ्यूचर में अगर पूरा पूरी यूज करते हैं तो प्रेजेंट अर्निंग क्या हो जाएगा, हमारा अर्निंग जीरो हो जाएगा। तो प्राइवेट अगर कोई रहेगा तो ऐसा नहीं चाहेगा, तो वो क्या करता है कि इसी में आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में इनडिफरेंस हो जाता है, तो वो क्या करता है कि कुछ पार्ट प्रेजेंट में करता है और कुछ को वो फ्यूचर के लिए छोड़ देता है, ताकि फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने के लिए। बात समझ में आया? तो उसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, फ्यूचर में उस रिसोर्सेज का, हाँ, रिसोर्सेज का दाम क्या होता है, बढ़ता है तेजी गति से। तो इसका जो प्राइस बढ़ेगा तो साथ ही साथ इसको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो होता है निकालने का, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल, या फिर क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, यहाँ पर आपका इंक्रीज करेगा। तो अगर फ्यूचर प्राइस अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण से वो क्या करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में इंडिफरेंस हो जाता है, और उसके बाद ये क्या करता है, ऑप्टिमम सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन या ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। सर एक बार फिर से बताइए। अरे सीधा सीधी बोलता है ना कि भाई इसको प्राइवेट कर दो, प्राइवेट वाला अपना समझ जाएगा कि उछलाक होता है कि प्रेजेंट में अगर हम करेंगे तो मेरा कम करता करेगा और फ्यूचर के लिए ज़्यादा करेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और अभी कम दाम मिल रहा है तो उसको निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, ठीक है। तो एक तरफ अगर हाई प्राइस अगर प्राप्त करना चाहता है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा फ्यूचर में,
और अभी कम प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो उसका कॉस्ट भी कम लगेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। तो यही जो डिसीजन लेता है ना, ठीक है, ऑप्टिमल इंटर टेम्पोरल चॉइस, ठीक है, कि वो फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या करेगा, अपना सामंजस्य बनाए रखेगा, और जिसके कारण हम प्रेजेंट का भी नीड को पूरा कर सकते हैं और फ्यूचर के नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मॉडल जो है वो इसका क्या है कि देखिए इसका प्राइस इतना बढ़ा दीजिए, प्राइस हाई कर दीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में इसका क्या होगा, प्राइस हाई होगा, तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढिए, अल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है, और ये अल्टरनेटिव ऑप्शन कैसा होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि देखिए हम लोग का कोल पहले या फिर पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम ये क्या है, हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस है, और इसका देख रहे हैं ना एग्जॉस्टेबल होने के कारण इसका प्राइस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट किसको, अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है पहले, अल्टरनेटिव कौन बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए अल्टरनेटिव हम लोग कब ढूंढेंगे, जब तक कि किसी भी चीज का प्राइस हाई नहीं हो जाए। अगर यही पेट्रोल अगर आपको 5 रुपये मिलता, ठीक है, 5 रुपये मिलता, तो आप ये सोलर एनर्जी का भी इसका इजाद करता, नहीं करता, अगर करता फिर हाइड्रो पावर का होता है, नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है उसका प्राइस हाई होगा, और हाई होने के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन जो भी होगा वो पहला क्या होना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इससे सस्ता होना चाहिए, जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है उससे रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जो अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है ये चीप होना चाहिए, ताकि लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल रिसोर्सेस की ओर आ जाए, जिसके कारण ये हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व हो जाए, प्रिजर्व।